जुड़िलो नमस्कार प्रणाम। ढेर दिन तो हो गई बाबे लाइव हो लार बोल सब मिलना ढेर दिन हो गई रहा तबियत तबियत गड़बड़ा गया रहा ये वजह से भेंट हो जा रहा से मिल रहा जा मिले के माध्यम तो यह बा अखिलेश यादव जी नमस्कार भैया मंसूर हिंदू जय श्री राम भाई जी राजकुमार यादव जी भैया जी को प्रणाम प्रणाम भाई प्रणाम। भेंट दिन हो गया भेंट ना बोल रहा सुन कोने की तनि चल जाओ भेंट कर जाओ बतियावल जाओ कुछ ना कुछ बात अंकित कुमार ठीक बा भाई बढ़िया बा मंटू यादव जी व्हाट्सएप करो भैया। अच्छा ठीक है करते हैं अभी थोड़ी देर में आपको क्या हाल है भैया बढ़िया है भाई जी हाय भैया हाय भाई जी हाय अंकित कुमार जी व्हाट्सएप करो भैया। अच्छा करते हैं सुनील यादव भैया आपका बिहार फोन हाँ सुनील जी विवाद तो चलते बा का करब का बनू कि जे भी आदमी अगर मान के चलो कि केहू से जुड़ल बा ओकरा फायदा बा आ वो आदमी अगर डिस्टर्ब हो तबे ओकरा वो चीज़ नहीं मिलत तो परेशान तो हो तो कुछ ना कुछ जवन मन में आई तौन अकबका के कुछ बोलबे करी पहले वो सब कुछ ठीक रहा है अब तो लौकत हो कि उनका लगे से हटला के बउआ के लगे से जे भी हटल बा ओकरा महसूस जरूर होई कि रहनी तो हम का रहनी आ नैखी तो का बनी एगो वह आदमी बढ़न कि मतलब सबकरा उहे मिललन हालांकि वो आदमी किसी का अभी तक बिगाड़ा नहीं है दिया है जे भी संगे रहे ओकरा उ लेला ही बा ओकरा मिलले बावे लेकिन हाँ प्रणाम भैया ऐसा लाइव में बोल ठीक है बोलने दीजिए उससे कोई बात नहीं है बोलने वाले तो बोलेंगे अब जरा फायदा रह है या ओकरा नहीं हो तो बोलबे न करी अनाथ सनाथ जौन मन में आई तौन बोली केहू के पर्सनल फैमिली मैटर में केहू के बोले के हालांकि हक नहीं है लेकिन तब भी जरा ना बुझेला तो बोलबे करी ऐसा कुछ रहे ना लेकिन कहे के अब बा कि जितना अच्छा लगा था उतना कहत हालांकि खेसारी बाबू के तो एगो ऐसा इंसान हुआ कि जे भी जुड़ल तो कुछ ना कुछ कहबे कह आदमिया के अब ना मिली विकास साहेब जी क्या कहत रहे बाबू का काम निकल गया उनका इसलिए जलील कर रहे हैं। हाँ ऐसा होता है जब केहू के केहू ना जानत रहे वो बेरा तो आदमी वो बेरा सब कुछ ठीक रहा है वो सब कुछ ठीक करत रहल आज गलत हो गए वो नहीं करना चाहिए ऐसा। अरे वो जो भी है वो ऐसा इंसान है दिल का कि देने छोड़ के आज तक किसी का वो आदमी लिया नहीं है अभी तक का जो बात है वही हम बता रहे हैं कि हम न जानते हैं अपने भाई को उसका हृदय कठोर नहीं है उस लड़के का जिस तरीका से जिसको जो मन में आता है वही बोल देता है तो जो मन में आता है वो बोलता है वो ये नहीं समझता है कि उसके पास समझदारी नहीं है जो किसी को हम बोल रहे हैं। अरे उस लायक हम बन जाएंगे खुद बनने का प्रयास करें वो तो अपने दम पे ही चले हैं। नमस्कार भाई जी नमस्कार भैया कैसे हैं भैया ठीक है आप थोड़ा सा आराम है थोड़ा तबीयत में तो कहेगी थोड़ा सा आप लोगों से मिल लें इसमें कुछ हमारे बाबू का भी बात है खेसारी बाबू का विकास साहब घर का बात झूठ बनाकर
बोल दी है पब्लिक। हाँ ठीक है, देखिए अब बोलने को, अब आप अगर हमारे मित्र हैं, आपके साथ कोई भी बात हम शेयर कर रहे हैं, मित्रता ये नहीं होता है कि कल को आपका हम मजाक उड़ाने लगे। मित्रता का मतलब ये होता है कि जो भी हुआ सो ख़त्म, अब आप अपने रास्ते पे हैं, हम अपने रास्ते पे हैं। यारी दोस्ती सबका होता है, धरती पे बिना यारी दोस्ती का कोई भी आदमी नहीं है और चलता भी नहीं, इसके बिना चलेगा भी नहीं किसी का। पर यह है कि कुछ भी बोल देना, जिसको जो मन में आता है वही बोलता है, क्या जानते हैं लोग के बारे में, हमें ना पता है। रंजन यादव जी नमस्कार भाई, अरे प्यार से रहोगे तो वहाँ से कुछ पाना है, और जो भी प्यार से रहा है वो पाके तभी हटा है, बिना पाए हुए कोई नहीं गया है उस जगह से, वो जगह ही ऐसी है और वो इंसान ही ऐसा है। वो बेचारा किसी के बारे में कोई गलत ट्वीट नहीं करता है किसी भी तरह से, उनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है कि दूसरे के बारे में वो सोचें, वो तो अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे, बस काम है उनके पास, काम अपना है। कृष्णा कुमार यादव, लेकिन हृदय भैया प्रमोद भाई के कहना सही है, खैर अपना अपना जगह से जे भी बोला तब है ठीक बोली, लेकिन कुछ लोग जो गलत ट्वीट करला, जौन इनके हमारा बबुआ के बारे में नहीं जानत, ना बोले के चाहिए। एगो फोन आ गई, कुमार प्रमोद भाई का कहना सही है, खेसारी भाई से प्रमोद भाई ने बताया है कि बीच में बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलने दो थोड़ा, और इसलिए आज सोचे कि थोड़ा सा मिलते हैं आप लोगों से, बोलते हैं थोड़ा बहुत, बात करते हैं आप लोगों से, कुछ सुझाव मिलता है। अरे सुझाव, बढ़िया सुझाव देने वाले धरती पर हर आदमी नहीं होता है, और ये है कि आप सब भाई हैं, मित्र हैं, तो कुछ लोग बढ़िया ही बोलते हैं। बाकी किसी भी आदमी के फैमिली के बारे में किसी आदमी को ट्वीट करने की कोई हक नहीं है, किसी का पर्सनल मैटर है, अपना घर की बात है। अरे आप अपना घर देखिए ना, आप अगर ठीक हो गए तो आप अपने घर में रहिए, अपने काम के दम पे रहिए। हम तो वो दिन भी देखे हुए हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हमने देखा नहीं है, हम जानते नहीं हैं। चली लो फिर मिलल जाए, कुछ कहे कर लो, ऐसे हम कहनी है कि कह दिया। बाकी एगो बात जरूर बा कि दूसरे के बारे में अगर आपकी मित्रता किसी के साथ है तो ठीक है, मित्रता रहे ना रहे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि खुद अपने अपने अंदर संयम रखता है आदमी की उस चीज़ को लेके चले, क्या था क्या नहीं था वो तो बेहतर वही जानते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं, हम भी नज़दीक से जानते हैं। वो लोग हमारे घर भी आए हुए हैं, धानाडी भी आए हुए हैं, सब रुके भी हैं, रहे भी हैं, जितना हो सकता है उनका आदर सम्मान भी किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो भी आदमी हो, एक्स वाई जेड, किसी के बारे में गलत ट्वीट करना ये चीज़ ठीक नहीं, करना ही नहीं चाहिए। बाकी विचार करने वाली पब्लिक है, देखने वाली पब्लिक है, सब आप लोग हैं, भाई हैं, बाप हैं, चाचा हैं, तो आप लोग तो सब कुछ जान, लगभग आप लोग भी जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो जानते नहीं होंगे आप लोग। बाकी कई तरह के कमेंट्स आते हैं, कई तरह के लोग बोलते हैं, कुछ लोग भी इसी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ भी बोल देते हैं। अपनी वजूद को देखा करो सबसे पहले कि मेरी वजूद क्या है, मेरी औकात क्या है। वो आदमी सीनियर है तो है, इसमें कोई दो राय नहीं,
और एक जैसे टीचर होता है स्कूल का, समझाने का कार्य जो आदमी करता है, एक वो सम्मानित व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में बोलना उचित नहीं है जिससे हमें कुछ मिला है, शिक्षा मिला है, ज्ञान मिला हुआ, चाहे जो कुछ भी मिला हुआ हो, उस आदमी के बारे में ट्वीट नहीं कर सकते हैं पब्लिकली। बाकी नहीं, जिसको समझ में आता है उसको क्या बोलिएगा। खा करके थाली में छेद करने वाले आदमी बहुत मिलेंगे धरती पे, और ले दे के एक जिंदगी, अकेली जिंदगी सभी इंसान को मिला है, इसके बाद जिंदगी मिलना नहीं है, और हम लोगों को क्या पता कि मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे हम कि हम क्या थे। बाकी जब देखो जिसका मर्जी में आता है, जो मर्जी में आता है वही बोल देता है, नहीं बोलना चाहिए इंसान को। जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है, जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो आदमी जिसके पास ज्ञान है, वो तो लगभग नहीं है बोलेगा। ये चीज़ देखना चाहिए आदमी को, हमने दिया क्या उनको और उन्होंने मुझे क्या दिया, ये ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी ठीक है, विचार आप लोगों का हाथ में है, आप लोग देख ही रहे हैं सब कुछ, तो सोशल मीडिया पे आप लोग भी हैं जो हर आदमी देखता भी है। अभी वो चीज़ तो देखा नहीं हूँ मैं, पर यह है कि कुछ तो अब आपस में देखिए, आपस में हम ही, अरे हमारे भी मित्र हैं, आप लोगों का भी मित्र है, लेकिन वो चीज़ नहीं होता है। ठीक है, नहीं बात हो रहा है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में खुश हैं, हम अपने घर में खुश हैं, जब कभी मिले दुआ सलाम हाय हेलो तो हो ही जाता है, और साथ में रहने वाले आदमी, आपके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, हमारे बारे में आप सब जानते हैं, और किसी को क्या बोला जाए, सामने से आदमी मिले तो कुछ समझाए भी बोले भी, लेकिन मतलब नहीं बनता है। और नेचर और सिग्नेचर धरती पे नहीं बदलता है, लगभग नहीं बदलता है, बदलने वाले तो बहुत कुछ बदल देते हैं, लेकिन इससे ये पता चलता है कि किसके पास कितना सोच है। बाकी ठीक है, आप लोग इस चीज़ में देख ही रहे हैं, फिर विचार कीजिएगा। हम तो कहे कि आज बहुत दिन हो गया था, तो थोड़ा सा आप लोगों से मिल लें, मिल के कुछ शेयर करें, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको अच्छा बोला जाता है, देखा जाए तो एक तरह से गुरु हैं, और उन्होंने, हम तो यही कहेंगे, उन्होंने दिया है, लिया नहीं है किसी से, कुछ भी नहीं लिया है। वो इंसान धरती पे खाली मेहनत करने के वास्ते आया है, कौन नहीं लिया उनसे, कौन नहीं जी रहा है, जो साथ में जो भी है, और ये पब्लिकली बोल रहा हूँ मैं, आप लोग भी जानते हैं कि हाँ, उनके साथ रहने वाले जो भी आदमी हैं, जो रह चुके हैं, जो रहे हैं, जो हैं और थे, वो सभी लोग जानते हैं इसे। बाकी एक अकेला आदमी को परेशान करना ये उचित नहीं है, जबकि वो आदमी किसी के बारे में ज़्यादा ट्वीट नहीं करता है, ये भी आप लोग सबको जानता है, सभी लोगों को पता है, उसको जो मर्जी में आता है वो बोल देता है। मुँह को इतना सस्ता समझा जाता है, जबकि यही चीज़ इस ज़िंदगी को लंबा करके लेके जाता है, देखा जाए तो अपनी ही ज़ुबान होती है जो कि आगे जाने में काफ़ी सहायता करती है, अगर गलत ट्रैक पे हम चले गए तो नहीं सहायता मिलता है, फिर धोखा ही धोखा मिलता है हर जगह। तो आप पता भी होगा कि वो थे तो क्या सम्मान था, उनके पास से हटने पे क्या, वो तो खुद समझ में आ रहा होगा कि इज्जत क्या होता था, व्यवहार क्या मिलता था, लोग कैसे मिलते थे, काम कैसे होता था, काम मिलता कैसे था, ये सब चीज़ देखना चाहिए आदमी को। जिस ट्रेड में हम हैं, हम अपने ट्रेड में, हम भी एक ट्रेड में, और दोस्ती यारी व्यवहार ये सब चीज़ चलाने से चलता है और बनाने से बनता है। अगर आपके पास दिल है, मन है, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास आप बैठ गए, अगर वो अच्छा है तो कुछ तो अच्छाई आपके अंदर आएगा ही आएगा। बाकी ठीक है, अभी तो जो समझ में आया वो मैं बोला, जो गलती हो वो आप लोग देखना, तब तक के लिए नमस्कार।
प्राप्त है।